हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक बैंकिंग सेक्टर की धाकड़ कंपनी बताऊंगा, वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा, जो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। क्वालिटी कंपनी है भाई, नंबर वन कंपनी है। इस कंपनी में आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप सभी लोगों को पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर होना चाहिए। इस ग्रुप की आप सभी कंपनी में पैसा लगा सकते हो। क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाओगे भाई तो आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही। आप लोग का भाई पैसा बन रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते। नोटिफिकेशन चाहिए भाई तो बेल बटन भी प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं इसका हाफ रिजल्ट देख लेता हूं, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया, उनके प्रोडक्ट अच्छे, उनकी सर्विसेस अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और ऐसी ही कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर सितंबर 17 में था वो 38,339 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो भाई 55,557.87 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है हाफ ईयरली 38,339 से 55,557 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 17 में टोटल इनकम था वो 45,461.56 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो भाई 66,116.84 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो, कहीं से भाई कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 24,396.54 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 35,720.59 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हाफ ईयरली, 24,396 से 35,720 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 17 में जो एबिटा था वो 31,519.10 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 46,279.56 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। मैं जितनी तारीख ऑफ एंड वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 17 में प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 11,079.82 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 17,227.49 हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया है भाई इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर हाफ ईयरली। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 17 में पैट था वो 8,044.87 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 11,913.15 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका हाफ रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख ऑफ एंड वो कम ही होगा, आप लोग ने खुद देखा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ, पहले आप हाफ रिजल्ट देख रहे थे भाई। तो देखो, नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 48,469.90 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 98,972.05 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज, 48,469 से 98,972 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में टोटल इनकम था वो 57,466.26 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1,16,597.94 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसका शानदार ईयर टीयर वाइज मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 9,064.42 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 23,263.96 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टीयर वाइज, 9,064 से 23,263 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है भाई। एविटा देख लो, एविटा में इसका शानदार ईयर टीयर वाइज मार्च 15 में जो एविटा था वो 44,135.01 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 91,618.67 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एविटा ईयर टीयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो भाई, तो आपका पैसा कंपाउंडिंग बनेगा। तो इस कंपनी में पैसे बनाइए, निफ्टी 50 का स्टॉक है। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर पे इसका शानदार ईयर टीयर वाइज मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 10,215.92 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 21,078.17 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर है ईयर टीयर वाइज, 10,215 से 21,078 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार ईयर टीयर वाइज मार्च 15 में जो पैट था वो 10,215.92 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 21,078.17 हो चुका है। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार ईयर टीयर वाइज मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 40.76 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 77.40 हो चुका है। वैसे तो बहुत ही बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है ईयर टीयर वाइज 40 से 77 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ। निफ्टी 50 का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनेगा ही, खरीद के भूल जाइए, आपकी लाइफ बन जाएगी। ये कंपनी आपको एनुअली आराम से 25 से 35% के बीच में रिटर्न बना के दे सकता है, लॉन्ग टर्म भाई इससे ज़्यादा ही रिटर्न बना के देगा। HDFC बैंक का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। निफ्टी 50 का स्टॉक है, नंबर 1 कंपनी है। इस कंपनी भाई मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, फर्स्ट टाइम मैं जब यूट्यूब पे इस कंपनी वीडियो बनाया था तो उस समय इसका प्राइस भाई 1800 के आसपास था, और ये स्टॉक 1800 से 2500 रुपये तक भी गया था। हाल ही में इस कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है, तो बढ़िया कंपनी है, खरीद के रख लीजिए, लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनेगा ही। इस ग्रुप की और भी कई सारी कंपनी में पैसा लगा सकते हो जो लिस्टेड कंपनी है भाई, जैसे HDFC लाइफ, HDFC AMC, अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है HDFC AMC में, तो पैसा लगाइए। बढ़िया कंपनी में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा बनेगा ही। एक बात और ही बता देना चाहता हूँ, इस ग्रुप की जितनी भी लिस्टेड कंपनी है भाई, उसमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देगा वो HDFC AMC बना के देगा। ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, HDFC AMC का शेयर 1200-1300 रुपया था, तभी मैं बताया था कि HDFC AMC आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, HDFC बैंक आपको 25 से 35% के बीच में रिटर्न बना के दे सकता है। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कॉन्टेक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। HDFC बैंक लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है भाई, वेल्थ क्रिएट करके दिया है। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 600% का रिटर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। 10 साल में स्टॉक 6 गुना हो चुका है भाई। सेंसो का रिटर्न है वो 136.07% रिटर्न है। 3 साल में देख लो, 3 साल में रिटर्न है वो 108.45% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है 51.09% रिटर्न है। 1 ईयर में देख लो भाई, 1 ईयर में 21.19% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है 14.97% रिटर्न है। तो आपने देखा 10 साल में 600% रिटर्न था, और 1 ईयर में मात्र 21% रिटर्न है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी जाके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में पैसा बहुत ही कम बनता है। ईयर टू डेट में देख लो भाई,
ईयर टू डेट में डन है वो 17.67% डन है, सेंसो को डन है 12.04% डन है, वन मंथ में देख लो, वन मंथ में -1.20% डन है, सेंसो को डन है 0.17% डन है, वन डे में देख लो भाई, वन डे में -0.08% डन है, सेंसो को डन है 0.43% डन है। तो भैया आप लोग अपने पोर्टफोलियो में HDFC बैंक को जगह दो, क्वालिटी कंपनी है, इस ग्रुप की आप सभी कंपनियां पैसा लगा के रख सकते हो, HDFC AMC आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। HDFC बैंक का अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ, तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 26.21% होल्डिंग है, FIs के पास जो होल्डिंग है HDFC बैंक में 37.64% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है HDFC बैंक में 14.41% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है HDFC बैंक में 2.88% होल्डिंग है, नॉन इंश्योर इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है HDFC बैंक में 14.89% होल्डिंग है। कोई भी शेयर HDFC बैंक का भाई प्लेज नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है HDFC बैंक में 11.17% होल्डिंग है। वैल्यूएशन में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ HDFC बैंक का, HDFC बैंक का पी रेशियो 29.26 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू HDFC बैंक का 4.39 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया है HDFC बैंक का, 0.80% का डिविडेंड यील्ड है, ROE देख लो बहुत ही बढ़िया भाई 15.01% का है, जबकि ये फाइनेंस सेक्टर कंपनी है, ROA देख लो 1.76% का है, नेट NPA टू बुक वैल्यू HDFC बैंक का 2.43 का है, वैल्यूएशन देख सकते हो एक्सपेंसिव बता रहा है। HDFC बैंक का अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा वो 662 से 850 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा, जो कि कभी भी नहीं आने वाला है। क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ HDFC बैंक का, एक्सेलेंट बता रहा है भाई, नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ है 5 ईयर का और 20.79% का है, बजाज फाइनेंस का 45.50% का है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 5 ईयर का और 20.34% का है, ग्रॉस NPA लेटेस्ट देख लो भाई बहुत ही बढ़िया है 1.38% का है। जिस भी बैंक या NBFC कंपनी का ग्रॉस NPA नेट NPA 4% 5% से ज़्यादा हो 6% से ज़्यादा हो, आप लोग उस कंपनी में भूल कर भी पैसा मत लगाना, वरना कभी पैसा नहीं बना पाओगे। HDFC बैंक लिमिटेड का 52 वीक हाई है वो 1,287.55, 52 वीक लो है 1,011.50। HDFC बैंक का मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है, कुछ दिन में इस कंपनी का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ का भी हो जाएगा, तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, बढ़िया कंपनी है भाई, क्वालिटी कंपनी है। HDFC बैंक का पी जो है वो 29.24 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 39.68 का, तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले HDFC बैंक का पी कम है। बुक वैल्यू जो HDFC बैंक का 272.50 का बुक वैल्यू है, अर्निंग पर शेयर देख लो बहुत ही बढ़िया है भाई HDFC बैंक का 42.71 का अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड यील्ड जो HDFC बैंक का 0.60% का डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 1 का है। यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हो HDFC बैंक का बहुत ही बढ़िया भाई इसका ग्राफ है, आगे भी इस कंपनी का ग्राफ ऐसा ही बनेगा, तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, क्वालिटी कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, इस ग्रुप की आप सभी कंपनियां पैसा लगा सकते हो। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।